बहुत सारे रिस्पेक्टेड मेहमान यहाँ हमारे बीच विराजमान है स्टेज पे। सो मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ, हमारे बीच एक जलंधर से बेहतरीन शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, एडवोकेट नेम खान साहब, और इनका एक एनजीओ भी चलता है मुस्लिम संगठन के नाम पे। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपकी आवाज ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है अगला 10 साल 20 साल में, और जो इन्होंने कार्य किया, ये 2-3 मिनट में कंक्लूड करके हमारे बीच में बताएं हमारे मेहमानों को और हम सभी हमारे भाइयों को। थैंक यू, वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मौजूद हजरात, स्टेज के सामने बैठे काबिले एहतराम मेरे भाई, दोस्त, बुजुर्ग, मेरी माएँ, बहनें, सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नईम खान, एडवोकेट, प्रेसिडेंट मुस्लिम संगठन पंजाब। मैं समझ सकता हूं कि एक प्रोग्राम को सजाने में कितनी मेहनत, कितने दिन लगते हैं और कितने लोगों के जो पसीने से ये ऐसी महफिल सजती है। मगर मैं मुबारकबाद देता हूं इस 4th एनिवर्सरी पे हक की आवाज पूरी टीम को। वहीं पर एक गिला, एक शिकायत भी कर रहा हूं, क्योंकि जब तक हम गलतियों पर, मेरी एक आदत है कि जो मुझे बात ना अच्छी लगे तो मैं बोल देता हूं उस बात को, और मुझे ये श्योरिटी है इस बात की कि जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो बात तमाम, आप चाहे आप हजरात हैं, चाहे डाइस पर बैठे हुए मेहमान हजरात हैं, वो बात से इत्तफाक रखेंगे कि प्रोग्राम को जितना मर्जी बढ़िया तरीके से सजा लेना वो अलग बात है, मगर उसको मुनज्जम तरीके से चला लेना वो अलग बात। जितने भी मेहमान मुझसे पहले बोलकर गए उन सब की एक ही शिकायत रही है, सज्जाद साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा खास तौर पर, उन सभी की एक ही शिकायत रही कि प्रॉपर हमें सुना नहीं गया। मैं एक आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूं, अगर इस प्रोग्राम में हम आए हैं, अगर बैठकर कुछ चीज सीख कर नहीं जाएंगे तो इतना बड़ा प्रोग्राम करने का हमें कोई फायदा नहीं है। आप सब लोग बैठे हैं, आपका एक एक पल बहुत कीमती है। आजकल वक्त नहीं है किसी के पास, उससे कहो ना अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो कहेगा सब कुछ ले लो पर मेरे पास वक्त नहीं है, इतनी जो बिजी शेड्यूल है हम लोगों का, बिजी लाइफ है हम लोगों का। तो मैं हक की आवाज जो ट्रस्ट है, ये 4th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन्होंने सोशल जितने भी काम किए हैं अब तक वो बहुत ही काबिले तारीफ हैं। बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, जो काम नहीं भी हो पाते हैं उसको आगे, उसका विजन लेके चलना पड़ता है कि आगे हम फर्दर ये काम करेंगे। मगर आजकल का जो माहौल है देश के अंदर, इस माहौल के अंदर जो इनकी एनजीओ का नाम है हक की आवाज ट्रस्ट, हो सकता है इस नाम पर भी एफआईआर हो जाए, जिस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर बना हुआ है। आजकल काम करना तो मुश्किल है ही, मगर हक की आवाज, इंसाफ की आवाज और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना, वो एक मैं समझता हूं नफसी नफसी का आलम हो रखा है। आज जिस तरीके से मैं लीगल आदमी हूं, कानून की बात करूंगा आप लोगों से, आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं, जो चले गए वो शायद उसी प्रोग्राम के लिए थे, जितने लोग बैठे हैं वो शायद कुछ सुनना चाहते हैं। अगर आप सब लोग सुनना चाहते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है, हम भी आप सब लोगों से कुछ ऐसी बात सुनाए जो आप लोगों के भी काम आए। आज देश के अंदर माहौल क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें एक आईन दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमें इंडियन सिटीजन होते हुए एक जिंदगी बसर करने के, कानूनी तौर से बसर करने के लिए अपने एक हमें रास्ता देता है। आज आप सब लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, संविधान के अंदर आर्टिकल 19 है, धारा 19, जिसका काम है
भारत के लोगों को राइट टू स्पीच देना, यानी कि आप कुछ भी बोल सकते हो बशर्ते वो नेशन के अगेंस्ट ना हो। मगर आजकल के जो सरकारें हैं, जो आजकल का जो दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर आप अगर आर्टिकल 19 का भी इस्तेमाल करते हो तो आप पर FIR दर्ज हो जाती है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि नहीं रखते हो? आजकल सच बोलने पर FIR हो रही है कि नहीं हो रही है? उसकी ताजा एग्जांपल अभी जितने भी प्रेस मीडिया के लोग थे उनके घरों पर छापे मारे गए। वो छापे मारने का मतलब क्या है कि आपकी लोग, उनकी आवाज नहीं, आपकी आवाज को दबाने का काम कौन कर रहा है? जिस वोट का इस्तेमाल कर रहा है आप लोगों ने, और अपने वोट का इस्तेमाल करके उनको गद्दी सौंपी है, और वही गद्दी पर बैठे लोग आपकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। इस बात से इस्तेमाल रखते हो तो हक की आवाज ट्रस्ट जो काम करती है वो काम सिर्फ जैसे मुझसे पहले वक्ता बोल कर गए यहाँ पर एक एम्बुलेंस की जरूरत है, ये बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, वो जरूरत जिंदगी के बाद की जरूरत है। मेरा जो मानना है कि जिंदगी के बाद की जो जरूरत है उससे पहले जिंदगी जीने की जो जरूरत है उसको पूरा कर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी के जीते जी रहते हुए अपनी जरूरतों को पूरा कर लेंगे तो बाद मरने की आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई शंका नहीं रही। मगर वो होगी कैसे, कैसे होगी? मिसाल के तौर पर इंसान के शरीर के अंदर इंसान के शरीर के ऊपर शरीर में कोई जख्म हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि उस जख्म को ठीक कर लिया जाए ताकि वो जख्म नासूर ना बने। मगर जहां जख्म होता है उस हिस्से को हम काट नहीं देते, हम उसे ठीक करने की जरूरत डॉक्टरों की सलाह लेते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और अगर वो जख्म जब ठीक ना हो तब क्या डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि वो पार्ट बॉडी का रिमूव करना पड़ेगा ताकि बाकी की बॉडी जो है वो बची रहे। देखिए आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से, कहीं से भी हैं, पर आप इस देश के बाशिंदे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक चलता है, पॉलिटिकल पार्टियों में चलता है कि यार यूपी में आरतो आए लोग इन्हना दी इतने वोटा नहीं है। मैं उन तमाम नेशनल पार्टी से कहना चाहता हूँ जो पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं, हो सकता है इन लोगों के वोट यहाँ पर ना हो, पर जहाँ से ये आए हैं आपकी पार्टी भी वहां पर है और इनकी वोट भी वहां पर है। अगर आपको वोट चाहिए तो इनके चाहे लुधियाना में रहते हो चाहे पूर्णिया बिहार में रहते हो आपको काम करने पड़ेंगे। जो बात यहाँ पर तमाम पोलिटिकल पार्टी के MLA आए, XMLA आए, सारी पोलिटिकल पार्टियों ने शिरकत की, मगर बड़े अफसोस की बात है एक एम्बुलेंस की डिमांड कई वक्ताओं ने यहाँ स्टेज से उठाई पर इन MLAs, MPs और जो भी लीडर साहबान आए थे किसी एक के मुंह से भी ये नहीं निकला कि यो हक की आवाज जो काम कर रही है हम अपनी पार्टी की तरफ से या हम अपने MLA फंड की तरफ से या MP फंड की तरफ से इस ऑर्गेनाइजेशन को इतने पैसे अलॉट करते हैं। किसी भी MLA MP ने की, और हमारी भी गलती है, जब तक बच्चा दूध रोता नहीं दूध नहीं पिलाती माँ। इस स्टेज से सज्जा साहब आप लोग खर्चा करते हैं, इतना बड़ा खर्चा किया है, तामझाम किया है, ये पैसे आपने अपनी पॉकेट से किए होंगे या चंदा किया होगा, इस पैसे का सही यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अगर मैं देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो भी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा जनता में आकर वादे करती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ढीकड़ा कर देंगे। मगर हम इतने बड़े प्रोग्राम में बुलाकर उनको इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो उनका भी एक फर्ज बनता है कि जो इस ट्रस्ट की, इस NGO की जरूरत है उस जरूरत पर एक छोटी मोटी अनाउंसमेंट कर दे। फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? मगर नहीं की, ये बड़े अफसोस की बात है। तो मैं अपने NGO की तरफ से और इस हक की आवाज ट्रस्ट के NGO की तरफ से एक डिमांड करता हूं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के मेहमान इस समागम में, इस प्रोग्राम में आए हैं, तशरीफ लाए हैं, वो इस ट्रस्ट को जरूर वित्तीय सहायता दे। कोई भी काम करने के लिए उस सबसे पहले जरूरी है कि उस NGO के पास, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंशियल फंड जोने बहुत जरूरी है, तभी वो काम कर सकते हैं।
तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस एनजीओ को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा यहाँ बैठा हो या आने वाले हो या आए वो प्रेस के माध्यम से राय या जो स्पीचेस वायरल होंगे उनके राय भाई इस एनजीओ को कोई वित्तीय सहायता जरूर पहुंचाएं। मैं एक बात लास्ट में क्योंकि मैं लीगल आदमी हूँ एक बात आपसे करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 14 के ऊपर आर्टिकल 14 के ऊपर आप लोगों से बात करके उसके बाद मैं अपनी सीट ले लूंगा। देखिए संविधान की धारा 14 है आर्टिकल 14 जिसको बोलते हैं वो धारा ये है उसमें ये मेरे वकील साहब बैठे हैं त्रिवेदी जी लखनऊ से आए हैं माशाल्लाह। आर्टिकल 14 क्या कहता है आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब ये है कि कानून के सामने सभी लोग जो इंडियन सिटीजन हैं और जो नहीं भी हैं कानून के सामने सभी को समानता का अधिकार है। आप सब लोग जितने लोग बैठे हैं आप लोगों के मैं हाथ खड़े करवाऊंगा और ईमानदारी के साथ हाथ खड़े करना क्या आपको लगता है कि कानून जो सिस्टम है हमारा चाहे वो थाने हैं चाहे अदालतें हैं या कुछ भी है जो लीगल सिस्टम चलता है एडमिनिस्ट्रेशन क्या हमको एक समानता का कानून का अधिकार है? एक भी हाथ आप लोगों ने खड़ा नहीं किया इसका मतलब नहीं है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं ये एनजीओ क्यों बनती है इसलिए बनती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के अधिकारों का हनन होता है उन अधिकारों को बचाने के लिए मजलूमों की आवाज को उठाने के लिए या उनके तमाम कामों को रखने के लिए एनजीओ का गठन किया जाता है। दो मिनट लूंगा भाई बस मैं इसमें बोल के खत्म कर दूंगा। उन एनजीओ अब थाने के अंदर एक गरीब और एक अमीर का झगड़ा हो जाता है चाहे गलती अमीर की हो पर इंसाफ गरीब को नहीं मिलेगा। जहां पर माइनॉरिटी और मेजोरिटी का मसला होता है जहां पर बहुसंख्यक लोग होते हैं और कम गिनती वाले लोग होते हैं अगर झगड़ा कम माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज के अंदर होता है तो इंसाफ माइनॉरिटी को नहीं मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारी धाराएं जो संविधान की निश्चित नाबूद की जा रही है। हमें अपने आप को बचाना है इस मुल्क को बचाना है तो सबसे पहले हमें अपने संविधान को बचाना होगा और संविधान अगर बचता है हालात लग नहीं रहे हैं संविधान अगर बचता है तो हम सब लोग खुद पे खुद बच जाएंगे हमारे अधिकार भी खुद पे खुद बच जाएंगे। आखिर में मैं आप सब लोगों को इस हकी आवाज ट्रस्ट के इस चौथे एनिवर्सरी के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूं और एक बात मैं सजाद साहब के लिए एक हजरत अली का एक फरमान है वो कहकर अपनी अपनी बात को खत्म करूंगा कि हजरत अली ने फरमाया है कि एक आदमी है वो कहता है कि यार ये आदमी बहुत मतलबी है जब भी काम पड़ता है तभी मेरे पास आता है बिना काम के मेरे पास नहीं आता। तो मैं हजरत अली ने क्या फरमाया हजरत अली ने फरमाया कि आप खुशकिस्मत हो आप खुशकिस्मत हो क्योंकि हमेशा जब अंधेरा आता है तभी लोग रोशनी की तरफ जाते हैं रोशनी को ढूंढते हैं। तो सज्जाद साहब अगर आपके पास लोग सिर्फ काम के लिए आ रहे हैं तो आप अपना दिल छोटा ना करें मायूस ना हो क्योंकि हमेशा अंधेरा रोशनी को ढूंढता है। तो जो जरूरतमंद है वो आपके पास आएगा और आपसे इंशाल्लाह ताला काम के लिए कहेगा तो आप उस मालिक के लिए उस मालिक की रजा के लिए बिना इंटरेस्ट के लिए काम करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।